Okay, take out your assignment now. Integration, differentiation की कौन से questions में common doubts है बताइए, जिसके doubts है raise hand. पहले तो कितने बच्चों ने try नहीं की अभी तक, raise hand. How many of you have not even tried the assignment today also? कुल कितने नहीं try की जैसे कि ध्रुव आपने किए try? कौन सा question ही हुआ last? Fourth question. फोर्थ किसी का हुआ क्वेश्चन? आपका हो गया फोर्थ? फोर्थ इधर जपन ज्योत का हो गया हुआ है. और फिफ्थ क्वेश्चन में है डाउट किसी को? फिफ्थ क्वेश्चन यू वर एबल टू डू और नॉट? यस काव्या मैम, फिफ्थ भी करवा दो एक बार. फिफ्थ भी? हाँ फिफ्थ तो करवाऊंगी, वो तो है ही. चलो अब क्वेश्चन फोर हो चुका है आपका. नो नीड टू डू दिस. क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है. एक ही क्वेश्चन था जिसमें आपको नहीं ये तो आगे ही जाना है, आपको डिफरेंशिएट ही करना है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आंसर व्हाट एवर वॉज गिवेन इन द बुक, मैंने अभी वही लिखा है, बाकी कंफर्म कर लेते हैं. लेट अस कंफर्म दैट एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, ठीक है. सो फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी, ठीक है. इधर ये आ गया 2a1t/2 माइनस 2a2t/3. यहाँ भी स्क्वायर है, वहां भी स्क्वायर है. ये आना चाहिए. हाँ नहीं, टी स्क्वायर नहीं है दोनों में, या तो एक में क्यूब होगा या एक में टी होगा, ये लिखने में कुछ हुई है. यहाँ पे आप टी कर लो, ठीक है. तो अब ये आपका हो गया ओनली a/2, है ना. तो ये v आपका आ गया, v आ गया. अब उसके बाद एक्सेलरेशन, आंसर क्या दिया है? हाँ यही आ रहा, बस माइनस आ. तो ये ठीक है, बस वहां पे फिर t कर लो. या सेकंड टर्म में t स्क्वायर नहीं है, t है. Now it's okay. Yes, any other doubt? Fourth भी? Position दी हुई है, find time at which acceleration will be zero. तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, बाकी चीजें बाद. ये आ गई वेलोसिटी. ये एक्सेलरेशन आ गई. अब दे आर सेइंग फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन विल बी जीरो. वो तो जीरो हो ही नहीं सकती. एक मिनट, मैंने वहां फ्लूड लगाया था. फाइंड वेलोसिटी होगी मे बी 12 सेकेंड, 16t. वो तो जीरो हो ही गया आपका. एट विच वेलोसिटी इज जीरो, ये कर लो. फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो कर लो. तो अब इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए. हाँ ये वेलोसिटी आना है यहाँ. 12 सेकेंड वेलोसिटी जीरो कर लो एक्सेलरेशन की प्लेस. चलो हो गई. अब लास्ट क्वेश्चन हो गया लास्ट. और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? एनी अदर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट विच इज नॉट क्लियर?
लास्ट टेंथ क्वेश्चन में तीन इक्वेशंस दी हैं आपने, तीनों को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल देनी है, एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। जो जिसमें टाइम नहीं आ रहा एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आंसर है बी। टेंथ क्वेश्चन का आंसर है बी, उसमें एक्सेलरेशन में टी नहीं आता, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कॉन्स्टेंट एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। नाइन्थ में इफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, स्टेट वेदर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करना है आपको। सो एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, टेक इट टू बी के टी स्क्वायर, बस अब इसको लेके करिए, डिफरेंशिएट करिए इसको, वेदर वेलोसिटी बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी आ जाएगी उसमें क्योंकि टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग वैल्यूज आएंगे। नहीं, अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पुट करोगे तो वेलोसिटी विल चेंज बाय इक्वल अमाउंट के नहीं, वो तो डिस्टेंस होगा ना, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म ही होगी। वैसे भी ये पैराबोलिक आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो पैराबोलिक, तो वो लीनियरली वेरी नहीं करेगी, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी आ गई आपकी 2 kt, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो एट डिफरेंट टाइम्स द बॉडी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, सो इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इटसेल्फ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फाइन, सो लेट अस कंटिन्यू, वी वर डूइंग वेक्टर्स, द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वॉज कंप्लीट, आफ्टर दैट विच वॉज द लास्ट टॉपिक वी वर डूइंग, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी होगी थी, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं उसके। Let us do one numerical of relative velocity. Two trains each of length 100 meter, two trains each of length 100 meter are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds. One overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate the velocities of each train. So this is a question based on relative velocity. Overtaking ka matlab क्या है, वो सामने से आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर एक की वेलोसिटी एक्स ले लें एक की वाई ले लें तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई आपकी बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी वो सम होगा। ओवरटेक और क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, ओवरटेक का मतलब सेम डायरेक्शन है ना, ओवरटेक सेम डायरेक्शन में होगा तो एक्स माइनस वाई ही होगा, क्रॉस मतलब पास कर रही है तो एक्स प्लस वाई होगा, तो दो सिचुएशन। So, overtaking के टाइम पे their relative velocity is x plus y, x minus y, because they will overtake in the same direction, एक दूसरे को overtake कर देगा। Crossing के टाइम पे relative velocity होगी x plus y, when they move in the opposite direction, velocity, relative velocity is the sum of the two. So, let us form two equation, time दिया हुआ है,
So speed is equal to distance over time. Speed first case में overtaking में कितने दिए हुए हैं? 20 second. 20 second time है. और distance कितना cover होगा? जब एक train दूसरी को just overtake करती है 100 length है तो कितना distance cover होगा? 200. So 200 is the distance covered. तो ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास x माइनस y इक्वल टू 10. अब क्रॉसिंग में क्या है? क्रॉसिंग में स्पीड है x प्लस y, डिस्टेंस अगेन 200, चाहे वो क्रॉस कर रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करके निकला है, तब भी आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 200 ही होगा. इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, और इस केस में टाइम है 10 सेकेंड. सो योर सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल टू 20. Solve both the equations and find the velocities of both the trains. उसमें भी ऐसे ही है, उसमें ये यहां जा रही थी, ये इसको क्रॉस करके यहां निकली, जस्ट क्रॉस किया है ना, तो फिर से टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 200 ही हुआ. हाँ, 15.5 meters per second आर द वेलोसिटीज ऑफ टू ट्रेन. ठीक है, राइट द नेक्स्ट वन. A boat which has a speed of 5 kilometers per hour in still water. Crosses a river of width 1 kilometer. Along the shortest possible path in 15 minutes, what is the velocity of river water? Along the shortest possible path in 15 minutes, what is the velocity of river water in kilometer per hour? What is the velocity of river water in kilometer पर आर? तो बोट की स्पीड है 5, रिवर वाटर की स्पीड हमें पता नहीं है, दैट वी आर टू फाइंड. सो शॉर्टेस्ट पाथ में हमें जो बोट है वो परपेंडिकुलर जानी चाहिए कि किसी एंगल पे, बताइए. कल एंगल पे जानी चाहिए, तो डायग्राम बनाइए पहले. ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज गिवन 5 किलोमीटर पर. अब रिवर की वेलोसिटी कितनी है, दैट वी आर टू फाइंड, कि जिससे ये शॉर्टेस्ट पाथ करके ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे. ठीक है, तो रिवर वाटर की स्पीड निकालनी, वीबी इज गिवन, एंड व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. आपको इसकी विड्थ दी हुई है 1 किलोमीटर और टाइम भी दिया हुआ है, तो आप इस पोर्शन की स्पीड निकाल सकते हो डिस्टेंस ओवर टाइम से. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया डिस्टेंस 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर ही रहने दो, ओवर 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो. 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करिए, 1/4, 1/4, 1/4, है ना, तो ये आ गई 4 किलोमीटर पर. इसका मतलब ये जो वी बी आर है दैट इज 4. Now apply Pythagoras theorem and find VR. एक बार डायग्राम बन गया फिर तो बस पाइथागोरस ही लगानी है. So answer is 3. Your VR is under the root VB square minus VBR V VR square. So that is 5 square minus 4 square. Three.
सो दैट इज थ्री. VBR, ये वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट कंपोनेंट है ना, तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया और उन्होंने बताया कि इसके लिए कितना टाइम चाहिए रिवर को, उन्होंने बोला 15 मिनट लगते हैं. उन्होंने कहा है कि रिवर ऑफ विड्थ अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट कवर कर सकते हैं, इसका मतलब इस पाथ के अलोंग इतना टाइम चाहिए तो वो स्पीड हमने निकाल. व्हाट दिस, एनी डाउट? ये जो अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन कराया ना मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल सेंड यू अ वीडियो देयर जहां पे कुछ एनिमेशन वगैरह शो की गई है, आप उससे थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, अब शॉर्टेस्ट टाइम वाला. अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. A river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. जो भी यूनिट दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है. At a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of a river, of the river. A man on the south bank of river capable of swimming at 10 meter per minute, capable of swimming at 10 meter per minute in still water, 10 meter per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in which direction? ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिचुएशन इज क्लियर टू यू कि ये जो रिवर फ्लो कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो उसको नॉर्मल जाना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रोक्स बनाने चाहिए ना, तभी वो यहाँ पहुंच जाएगा. तो ये उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होनी चाहिए मैन की, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से वो इधर पहुंच जाएगा पर टाइम शॉर्टेस्ट लगेगा. सो ही शुड, क्या आंसर है, उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, मैन को किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, यही क्वेश्चन है ना. नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, दिस इज नॉर्थ ना, तो साउथ से नॉर्थ जाएगा, सो ही शुड स्विम ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर वो परपेंडिकुलर जाता जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कहीं और, बट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम शुड बी शॉर्ट. Now write one question as assignment, small assignment, just one question I want to give you so that you can try today at home yourself to fix this concept in your mind. Yes, to a man going east in a car, to a man going east in a car with a velocity of 40 kilometer per hour, with a velocity of 40 kilometer per hour, a train appears to move towards, a train appears to move towards north with a velocity of 40 under root 3 किलोमीटर पर आवर, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन.
what is the actual velocity and direction of motion of the train? Actual velocity and direction of motion of the train. Answer note kar lo. It should be 30 degree. Direction 30 degree honi chahiye. Aur actual velocity is 80. 80 kilometer per hour. एक्सेलरेशन जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट्स यू टेल मी वेदर यू वर एबल टू सी द आंसर्स ऑफ यस्टरडेज टेस्ट और नॉट. आंसर नहीं ना दिख रहे थे? हाँ वो हाँ अब मैंने सेटिंग ऐसे की है, नहीं तो वो एक्स वाई जेड करके कहीं से करके दूसरे फोन से कर देते थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना. आपने किया, चारों ने टेस्ट किया. पुलकित यू अटेम्प्टेड, वेरी गुड. आपने क्यों नहीं किया, ना असाइनमेंट की ना टेस्ट किया अटेम्प्ट. कितने मिनट का काम है? हाँ जी वाह जी वाह. 5 बजे का टाइम नहीं है टेस्ट का? आपके सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट का टाइम फिक्स्ड है ना? हाँ जी. इधर से कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, रेज हैंड. How many students attempted the test yesterday? It is always given at 5 p.m. So you need not ask. You need not ask even the syllabus and the day also. Everything is fixed. 8 students have done the test. Out of 32 present here, 10 ne kiya. Bas 11 ho gaye. Bas 12. Aise kahi ja rahe ho? कि सच में टेस्ट किया, देखा है आपने? यस 12 ने किया आउट ऑफ 32. मींस 20 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट देखा तक नहीं. कहाँ जा रहे हैं हम, आप ये बताएंगे मुझे? इतने कैजुअल क्यों हो गए हैं? हाँ मैं टेस्ट डिस्कस करने लगी हूँ बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे पास टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है और वो भी 10 MCQs हैं. 15 मिनट में हो जाते हैं, 10 मिनट्स में भी हो जाएंगे वैसे तो, 15 मिनट लेके भी चलो. बच्चे ऐसे काम नहीं चलेगा, आप साइंस स्टूडेंट्स हो. डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक प्लेन में लाए करते हैं, कोई इनिशियल नहीं है, ना को लीनियर ना पैरेलल है. सेकेंड है इंटीग्रेट mx² / l विद इन द लिमिट्स -l/2 to +l/2. ये देखो, ये भी एक डेरिवेशन का ही स्टेप है. इंटेग्रल m/l x² - l/2 to +l/2 आर द लिमिट्स. m एंड l आर कॉन्स्टेंट्स, टेक आउट ऑफ द इंटीग्रल. ठीक है, हाँ x³/3 हो गया, 3 इधर ले लो, x³. अप पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया. (2l)(l³/8) 2 इधर से कट गए, 1/12 ml² वॉज द आंसर. सो द आंसर वॉज 1/12 ml². देख लो, डिफरेंस ऑफ टू इक्वल वैक्टर शुड बी अ नल वैक्टर. कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ऑफ 4 न्यूटन ईच एंड रिजल्टेंट 6.5 न्यूटन. 71.3 degree वॉज द आंसर एंड सिंपली यू हैड टू यूज आर इज इक्वल टू अंडर रूट a² + b² + 2ab cos θ. इज i² + j² अ यूनिट वैक्टर? नो. आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करो, अंडर रूट 1² + 1² अंडर रूट 2 आता है, 1 नहीं आता. A cart is being pushed with a force of 500 newton due north. Another man pushes it along east
विद 800 न्यूटन फोर्स, दो फोर्स हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वो आपने पैरेललोग्राम लॉ से करना था। इसका आंसर है 943 न्यूटन 32 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। एंगल तो मैंने दे ही दिया था, 10 बीटा से निकाला गया है, उसको चेक कर लेना फिर भी ठीक है। और उस मेथड से आप करोगे 943 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, क्या था आगे, टेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ करंट था, करंट इज अ टेंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन नेवर बी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 एंड 50 न्यूटन। 20 न्यूटन नहीं हो सकता, एक वेक्टर के इक्वल थोड़ी हो सकता है अकेला, वन वेक्टर इज 20 न्यूटन, अनदर वेक्टर इज 50 न्यूटन, सो इट कांट बी 20 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी एफ साइन थीटा। ठीक है, बस रेजोल्यूशन था ये। एक्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए आर 10.5 एंड 15.2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपका आता आंसर 15.2 था आंसर जो भी आ रहा है। ऑप्शंस आर 10.5 तो नहीं है, 15.2 भी नहीं है, 18.5 आंसर वाज 18.5 18.5 वही अंडर रूट करके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स ही करना, 18.5 वाज द आंसर। तो आगे से अब ऐसे ही होगा, आपको एमसीक्यूज में बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज एमसीक्यूज आपका मोस्ट प्रॉब्ली पैटर्न हो ही जाएगा, तो उसमें अब बिल्कुल भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप इधर उधर से देख लो, आंसर भी नहीं देखें, मैं डिस्कस किया करूंगी, आंसर भी नहीं आपको बताने, सिर्फ स्कोर आ गया था ना आपका, मार्क्स पता चल गए, दैट्स ऑल। ऑलराइट, यस, एनी डाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर? कल हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल्स एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन आवर काइनेमेटिक्स विल बी ओवर। ठीक है, कोई डाउट?